हे गाइस, वेलकम बैक टू माय वर्ल्ड। और आप देख सकते हैं मैंने हेयर ऑयल बनाया है, नीम हेयर ऑयल, घर पर ही लोहे की कढ़ाई में, क्योंकि उसमें आयरन की भी गुण आ जाए इसी के साथ साथ। तो हम देखेंगे कि 7 बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग नीम ऑयल फॉर अ हेयर। तो वैसे भी विंटर में जो हमारे स्कैल्प है उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, क्योंकि विंटर में हम लोग क्या करते हैं, ठंड होने के कारण हम बाल ही नहीं धोते, ऑयलिंग भी नहीं करते, मतलब ऐसा बहुत कुछ करने से बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स है वो आ जाती है। तो उसके लिए हमें नीम हेयर ऑयल विंटर में यूज़ डेफिनेटली करना ही चाहिए। जैसे कि नीम ऑयल, जैसे कि डैंड्रफ हो जाता है विंटर में तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, स्कैल्प इचीनेस हो जाती है फिर इस तरह से, इसलिए नीम ऑयल क्या करता है, डैंड्रफ को क्योर करता है। फिर इसमें ये ऑयल ट्रीट करता है लीस को भी, और बाल ना धोने से, अच्छे से केयर ना करने से विंटर में लीस भी हो जाते हैं, इसलिए जो नीम ऑयल हुए वो लीस को भी अच्छे से ट्रीट करेगा। और नीम ऑयल प्रिवेंट हेयर थिनिंग। तो फिर अगर हम बाल नहीं धोएंगे, वैसे ही गंदे रहेंगे, तो फिर वो क्या करता है, हेयर लॉस होना चालू हो जाता है, फिर जो हेयर है हमारे थिन हो जाते हैं। तो फिर फोर्थ ये कि नीम ऑयल क्या करता है, प्रिवेंट प्रीमैच्योर ग्रेइंग, तो इसका भी हेल्प करेगा अच्छे से। नीम ऑयल प्रमोट हेयर ग्रोथ, तो हमारे जो हेयर में जो इन्फेक्शन है, डैंड्रफ है, इस तरह के से प्रॉब्लम दूर होने के बाद हेयर क्या करेगा, ग्रोथ होने चालू हो जाएगी। और सिक्स्थ है नीम ऑयल कंडीशन ड्राई हेयर। जब हमारे ड्राई हेयर होंगे विंटर में तो फिर हम ये यूज़ करेंगे नीम ऑयल, तो फिर ड्राइनेस भी दूर हो जाएगी। नीम ऑयल ट्रीट स्कैल्प इन्फेक्शन। फिर से वही, अगर विंटर में इचीनेस भी हो जाता है, इन्फेक्शन भी होता है, बहुत कुछ होता है, इसलिए ये नीम ऑयल ट्रीट करता है स्कैल्प के इन्फेक्शन को भी। तो इसी तरह से आपको पता चल ही चुका होगा कि विंटर में जो भी प्रॉब्लम आ रही है हमारे हेयर में, स्कैल्प में, वो नीम ऑयल से ही जाएगी। तो आप चाहे तो ऑनलाइन नीम ऑयल भी ले सकते हैं, या फिर आप ऐसे लीव्स यूज़ करके घर पर भी बना सकते हैं कोकोनट ऑयल के साथ, या फिर आपको जो भी ऑयल चाहिए। तो इस तरह से इसका यूज़ करना है, और डेफिनेटली आप देखना कि आपका रिजल्ट क्या आएगा। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और आने वाले ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।